बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश के घर पर हुई फायरिंग में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। इसी के चलते पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों को इनामी घोषित कर दिया है। इस दौरान DIG ने बताया कि अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों पर 10,000 का इनाम रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। गांव में नेत्रपाल के यहाँ रात 12:30 बजे अविनाश शर्मा और उसके लगभग जो है 3 गाड़ियों में लोग गए रात 12:30 बजे और अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई राउंड जो है इसमें खोखे वहाँ मौके से बरामद किए गए। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और पूरे गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो है महिलाएं बच्चे भी जो है वो पूरा डर के मारे जो है वहाँ भागने लग गए थे। तो इसमें जो है पुलिस को खबर मिली, पुलिस जो है मौके पर गई और इसमें जो है जो तुरंत पुलिस ने जो है कुछ अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए इसमें, और अब तक जो है जो 13 लोग प्रकाश में आए थे उसमें से 5 लोगों की जो है अब तक पुलिस ने अरेस्टिंग कर लिया है और जो कुछ लोग जो फरार है उनके ऊपर पुलिस ने जो है NBW भी लिया है।